हम खड़े हैं सुभाष चौराहे पे, जहाँ पर छात्रों और युवाओं का एक जन आंदोलन चल रहा है। देखते हैं एक झलक। मैं रामजी विश्वकर्मा, जनवाद टाइम्स, प्रयागराज। ये आंदोलन इस मुद्दे पर है कि प्रदेश सरकार जो SC ST वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति मिला करती थी पहले, और उसी छात्रवृत्ति के आधार पर SC ST के छात्र नौजवान अपनी पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार छात्रवृत्ति को ख़त्म कर दिया है, और ये लोग छात्रवृत्ति देने की जो कोशिश करते हैं, इनका कहना है कि पहले लड़के अपना फीस जमा कर लेंगे, उसके बाद हम छात्रवृत्ति देंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो छात्रवृत्ति देने की प्रवृत्ति या परंपरा है, ये छात्रों नौजवानों की मदद के लिए रखा गया है, लेकिन जब बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, फीस भरने से वंचित हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, और छात्रवृत्ति न मिलने पर SC ST के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और हम लोगों की मांग है कि SC ST के बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए, उनको पहले छात्रवृत्ति दे दिया जाए, जिससे अपनी फीस वो अदा कर सकें और जिससे शिक्षा को सुलभ तरीके से ले सकें। यही मांग करने के हम लोग आज आए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये आंदोलन की शुरुआत है, यह आंदोलन प्रदेश व्यापी आंदोलन बन जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार इसी तरह कान में तेल डाल के बैठी रही, ये हुकूमत को मैं हम लोग बताना चाहेंगे कि यह आंदोलन प्रदेश लेवल पे आंदोलन होगा, और प्रदेश सरकार इस बात की प्रदेश सरकार चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज ये आंदोलन लोकतांत्रिक और संसदीय तरीके से हो रहा है, अहिंसात्मक तरीके से हो रहा है। क्या नाम दिया कल का? यह आंदोलन हिंसात्मक तरीके से होगा तो प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। क्या नाम दिया आंदोलन का? यह आंदोलन है SC ST छात्रवृत्ति लागू करो आंदोलन। अच्छा, मैं रामजी जनवादी न्यूज। दलितों पर, पिछड़ों पर, दोस्तों पर, वंचितों पर, आदिवासियों पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, यही सोनभद्र है जहां तक आदिवासियों का खुलेआम कत्लेआम कर दिया गया, और हमारे लोग लेट हो गए। विरोध करना चाहिए था, नहीं कर पाए, वरना इस शासन सत्ता में बैठी इस सरकार की मजाल नहीं होती। बड़े वकील साहब, आपका ये हक करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये फीस वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि ये लोग सत्ता में बैठ करके द्रोणाचार्य की तरह आपका अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, ये लगातार आज आंदोलन का ये शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं जानता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लाखों अभ्यर्थी हैं, लाखों लाखों छात्र नौजवान हैं जो इस फरमान से प्रभावित हुए हैं। और मैं जानता हूँ जहाँ 1 लाख लोग इलाहाबाद की सड़कों की तरफ जाएं, 1 लाख लोग लखनऊ की सड़कों की तरफ जाएंगे, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार की सरकारें जाएंगी।